हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। गाइज, जैसा कि आपको पता ही होगा कि रक्षाबंधन बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस तरीके की वीडियो बना पाओगे जैसा जस्ट अभी आपने देखा है। तो बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और आप डेफिनेटली ऐसा वीडियो एडिट कर पाओगे। एंड उससे पहले गाइज, अगर आप हमसे कोई भी वीडियो एडिटिंग करवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी, या फिर आपको स्क्रीन पर भी व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर भी मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना गाइज, और सब्सक्राइब भी कर लेना गाइज। मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ लाइक करने और सब्सक्राइब करने, बट आप लोग कर नहीं रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है। तो जल्दी से सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ऑल पे कर देना, ताकि फिर आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक वीडियो का। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो इसके लिए आपके फ़ोन में काइनमास्टर एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो जल्दी से आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो, और अगर है तो उसको ओपन करके आपको यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है और नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो प्लस आइकन पे जाते हैं और 9:16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके गाइज, ये ओपन होते हैं, यहाँ पे आपको मीडिया में जाना है और टोटल 7 फोटोज़ ऐड कर लेने हैं, तो जल्दी से आप ऐड कर लीजिए। ओके गाइज, फोटोज़ ऐड होने के बाद इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, तो जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे कर लीजिए। आपको फोटो पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से क्रॉप वाले सेक्शन पर जाना है, फिर आपको इस पर डबल टैप करना है, फिर से डबल टैप करना है, तो ये स्क्रीन पर आ जाएगी। उसके बाद आपको इसका एंड पोजिशन सेट करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा बस जूम कर लीजिए। सेम यही गाइस सारा फोटो में करना है आपको, तो जल्दी से आप अप्लाई कर लीजिए, सारे फोटो को आप एडजस्ट कर लीजिए। ओके गाइस, फोटोज़ एडजस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे ये वाइट वाला जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, और ट्रांजिशन आपको यहाँ पर ऐड करना है गोल्ड लाइट वाला, तो आप गेट मोड में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से गोल्ड लाइट पर जाइए और पहला वाला सेलेक्ट कर लीजिए, फिर दूसरे में दूसरा वाला, फिर तीसरे में तीसरा वाला, चौथा वाला, फिर उसके बाद पहला वाला, ऐसा करके रिपीट करना है आपको। इसी तरीके से गाइज, आप सारे फोटो के साथ ट्रांजिशन अप्लाई कर लीजिए। ओके, ट्रांजिशन अप्लाई होने के बाद पहला वाला फोटो जो है इसकी ड्यूरेशन कम करनी है, कम करके आप इसको 2 सेकंड का कर दीजिए। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे शेयर वाले आइकन पे जाना है और यहाँ से जिस भी रिजोल्यूशन में आपको करना है एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो जब तक गाइज ये एक्सपोर्ट हो रही है, आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोगों को भी, ताकि वो भी ऐसी वीडियो बनाना सीख पाए। ओके, एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक जाना है, फिर से बैक जाना है और फिर से प्लस वाला आइकन पे जाना है और इस बार फिर से 9:16 रेशियो वाला एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे मीडिया में जाना है और यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है, फिर ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड की ड्यूरेशन जो है आपको थोड़ी सी बढ़ा देनी है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट ऐड करनी पड़ेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, फिर लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं और उसको ऐड करते हैं। टेम्पलेट ऐड होने के बाद गाइज आपको यहाँ से ये स्प्लिट स्क्रीन वाला जो आइकन दिख रहा है इस पर जाना है और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है, फिर कंफर्म कर देनी है। उसके बाद आपको बस आगे की ओर आना है और जहाँ पे ये आपका शुभकामनाएं जो कट हो रहा है ना, ओके, यहाँ पे आना है और बस इसको जो है यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन एट प्ले हेड कर देना है। उसके बाद आपको आगे वाला जो है इसको बस क्रोमा करना पड़ेगा, तो इसके लेयर पर क्लिक कीजिए और यहाँ से क्रोमा की पे जाइए और इसको इनेबल कर दीजिए, और यहाँ पर कलर आप इसका ग्रीन सेट कर लेना और इसको आप यहां से जो है थोड़ा सा बढ़ा सकते हो और इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए यहां से, उसके कंफर्म कर दीजिए। फिर आपको यहां से बस स्टार्टिंग में आना है, जहां से ये टेम्पलेट स्टार्ट होती है ग्रीन वाला, और बस लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और वो वीडियो इंपोर्ट कर देनी है जो अभी जस्ट आपने एक्सपोर्ट किया था। ओके, वीडियो इम्पोर्ट होने के बाद आपको वीडियो वाले लेयर पर क्लिक करना है और 3 डॉट पर जाना है, देन इसको सेंड टू बैक कर देना है। उसके बाद आपको बस इसको अच्छे से फ्रेम में यहाँ पर एडजस्ट कर देनी है, आप इसको छोटा करके बड़ा करके जैसे भी कर सकते हो, आपका फोटो क्योंकि अलग होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेना इसको, और उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देनी है। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर जो है आपका वीडियो बनके रेडी हो जाएगा। फिर जहाँ पे टेम्पलेट ख़त्म होती है वहाँ पर आना है और ऊपर वाला जो मीडिया है उसको ट्रिम टू राइट और प्ले हेड कर लेना है। तो बस गाइज हो गया, यहाँ पर सारा कुछ हो चुका है और सॉन्ग इसमें पहले से ही ऐड है। तो बस गाइज यही सिंपल सा प्रोसीजर था, आराम से आप ये वीडियो बना पाओगे और आई थिंक आप कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको काइनमास्टर चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और गाइज लाइक ज़रूर कर देना, अगर अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो जल्दी से लाइक करो और शेयर भी करो, ताकि फिर आपके फ्रेंड लोग भी ऐसी वीडियो बना पाए, क्योंकि रक्षाबंधन बहुत नज़दीक आ चुकी है। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पे कर देना, ताकि फिर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे।
तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, आप सभी लोगों को एडवांस में रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।